अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बाखर अली, आप देख रहे हैं सफीर न्यूज़। एक झलक आज की अहम सुर्खियों पर। TRS के दो अरकान काउंसिल को नाअहल करार देने का फैसला दुरुस्त, हाई कोर्ट। हैदराबाद के पुराने शहर में नौजवान का कत्ल। हिजबुल्ला के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियां, लिबनानी आवाम की तौहीन। कर्नाटक मसले पर कांग्रेस, दीगर अपोजिशन पार्टियों का वॉकआउट। शाम में दहशतगर्दों के बम धमाके में 7 बच्चे जां बहक। जामिया मिलिया इस्लामिया के सिविल सर्विस कोचिंग के लिए तकरीबन 14,000 दरख्वास्तें मौसूल। सऊदी अरब में मौत की सजा में इजाफा। बरतानिया ने बोहरी बदअमनी का आगाज किया है, सदर मुमलिका डॉक्टर हसन रूहानी। करीमनगर शहर में बड़ा हादसा टल गया। उत्तर प्रदेश का गैर मामूली जहन लड़का 100 से जायद किताबों का मुसन्निफ। बीजेपी रुकने असेंबली हाथ में बंदूक लेकर नाचने लगे। दहशतगर्द गिरोह मुनाफिकीन के साथ अमेरिका के करीबी राबते। ट्रैफिक चालानात अदा ना करने पर हैदराबाद में मोटरसाइकिल जब्त। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस में शामिल होने वाले TRS के दो अरकान काउंसिल के यादव रेड्डी और रामुलु नायक को नाअहल करार देने से मुतल्लिक तेलंगाना कानून साज काउंसिल के फैसले को रियासती हाई कोर्ट ने दुरुस्त करार दिया है। पार्टी से गद्दारी करने के इल्ज़ाम में चेयरमैन तेलंगाना कानून साज काउंसिल स्वामी गौड़ ने काउंसिल की रुकनियत के लिए इन दोनों को नाअहल करार दिया था। ये दोनों अरकान असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस में शामिल हुए थे। इनके खिलाफ कार्रवाई करने की TRS ने दरख्वास्त दायर की थी। काउंसिल के फैसले को इन दोनों अरकान ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन आज इसका फैसला सुना दिया गया है। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके काला पत्थर में एक नौजवान का बेईमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि 22 साल सैयद मुख्तार को बास अफराद ने ताअक्कुब के बाद चूने की भट्टी के करीब मंगल की रात चाकू से वार करके कत्ल कर दिया। इस वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और चाकू के वार से ज़ख्मी नौजवान को दवाखाना उस्मानिया मुंतकल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। ज़राए ने बताया कि माह रमज़ान में सैयद मुख्तार का अहमद जाफाई, मोहम्मद और हसन नामी अफराद से कुछ मसले पर झगड़ा हुआ था, लेकिन आर्जी तौर पर इक्सुई हो गई थी। पुरानी मकासिमत के नतीजे में कत्ल का वाकया पेश आया। मकतूल की वालिदा ने यह इल्ज़ाम आयद किया कि इनके बेटे की जान को खतरा लाहक होने की बात को लेकर काला पत्थर पुलिस को आगाह किया गया था, लेकिन पुलिस इस मामले में कार्रवाई से खासिर रही। मकतूल की वालिदा ने पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस की लापरवाही के नतीजे में इनके बेटे का कत्ल हुआ। पुलिस बर वक्त इनके बेटे के मुखालिफीन के खिलाफ कार्रवाई करती तो ये वाकया पेश न आता। लिबनानी पार्लियामेंट में हिजबुल्ला के नुमाइंदे अली फयाज ने हिजबुल्ला के 3 अफराद पर अमेरिका की तरफ से आयद पाबंदियों को लिबनानी कौम की तौहीन करार दिया है। अली फयाज ने लिबनानी हुकूमत और पार्लियामेंट से मुतालबा किया कि वो हिजबुल्ला के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियों पर ठोस अकदाम अमल में लाए। वाज़ह रहे कि अमेरिका वजारत ख़जाना ने पहली बार हिजबुल्ला के पार्लिमानी नुमाइंदों को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया है। कर्नाटक के मसले पर कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों ने बुध को वक्फे सफ़र के दौरान लोकसभा में हंगामा किया और दोपहर बाद 12:40 पर ऐवान से बाहर चले गए। वक्फे सफ़र के दौरान कांग्रेस रुकन अधीर रंजन चौधरी ने मरकजी हुकूमत पर कर्नाटक की हुकूमत गिराने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ये मसला वो कल भी उठा चुके हैं। इसके बाद इन्होंने दूसरे रुकन का नाम पुकारा। इससे नाराज़ कांग्रेस के रुकन स्पीकर की नशिस्त के करीब आकर हमें इंसाफ चाहिए के नारे लगाने लगे। TMC, कांग्रेस, DMK और बहुजन समाज पार्टी और कुछ दीगर पार्टियों के रुकन भी अपने मुकामात पर खड़े होकर इनका साथ दे रहे थे। बाद में स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी को इनकी बात रखने का मौका दिया। चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि महाराष्ट्र में मार्शल लॉ चल रहा है,
कर्नाटक के वजीर आपाशी डी के शिव कुमार ने एक होटल में अपनी बुकिंग कराई थी, लेकिन जब वो पहुंचे तो पुलिस ने इन्हें अंदर जाने से रोक दिया। होटल के अफसरान ने कहा कि इनकी बुकिंग मनसूख कर दी गई है। वाज़ह रहे कि शिव कुमार मुंबई के रेनसिन्स होटल जा रहे थे, जहां कर्नाटक कांग्रेस के इस्तीफा दे चुके रुकन असेंबली ठहरे हैं। चौधरी ने कहा, एक मुंतखब हुए अवामी नुमाइंदे को अपनी ही पार्टी के अरकान असेंबली से मिलने नहीं दिया जाता है। हिंदुस्तान की जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। शाम में दहशतगर्दों की तरफ से नष्ट किए गए बम धमाके के नतीजे में शाम के 7 बच्चे जान बहक हो गए। इत्तला के मुताबिक मशरक़ी दिबलान में बच्चे खेल के दौरान दाइश के नस्ब शुदा बम से टकरा गए, जिसके नतीजे में ज़ोरदार धमाका हुआ और शामी बच्चे जान बहक हो गए। इधर गुज़िश्ता रोज़ भी सूबे हमा में दहशतगर्दों के रॉकेट हमलों में 3 अफराद हलाक और 6 ज़ख्मी हो गए, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल है। जामिया मिलिया इस्लामिया के रिहायशी कोचिंग एकेडमी UPSC सिविल सर्विस 2020 के लिए 13,129 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जबकि गुज़िश्ता साल 7,245 लोगों ने दरख्वास्तें दी थी। इसके मुताबिक इस साल तकरीबन 80% की बढ़ोतरी हुई, हालांकि RCA में महज 150 उम्मीदवारों की गुंजाइश है। MA फारूकी रिटायर्ड IAS RCA के डायरेक्टर ने दरख्वास्तों की इस बढ़तरी को जामिया मिलिया इस्लामिया के बेहतरीन तालीमी माहौल, काबिल व बासलाहियत असातिज़ा की कामयाबी और कोशिश का नतीजा करार दिया। यहाँ यह जिक्र किया जा सकता है कि 2018 सिविल सर्विस इम्तिहानात के तीसरे टॉपर जुनेद अहमद ने RCA से ही तरबियत ली थी। 2018 में RSC से कोचिंग और तरबियत पाने वाले तकरीबन 43 उम्मीदवार थे, इनमें से 29 RC में रिहायश पजीर थे और 14 ने ई इंटिशन प्रोग्राम के तहत इंटरव्यू की तरबियत हासिल की थी, जिसमें माहिरीन के ज़रिए इंटरव्यू कराया जाता है और उम्मीदवारों को फीडबैक भी दिया जाता है। 2010 से अब तक जब से इस कोचिंग का ख़याम अमल में आया है, जामिया से तकरीबन 200 सिविल सर्वेंट निकल चुके हैं, जबकि दीगर सर्विस के लिए तकरीबन 250 तलबा कामयाब हो चुके हैं। सऊदी वली अहद बिन सलमान ने अप्रैल 2018 में मुल्क में सरकलम किए जाने की सज़ा में कमी का ऐलान किया था, लेकिन इनका यह वादा जबानी जमा खर्च से आगे नहीं बढ़ा और अमली तौर पर सरकलम किए जाने की सज़ा में बेतहाशा इजाफा हो गया है। यूरोप में कायम इंसानी हकूक़ की सऊदी तंजीम के मुताबिक रवां साल के पहले 6 माह के दौरान सऊदी अरब में मौत की सज़ा में पिछले 5 साल के मुकाबले में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सन 2018 के पहले 6 माह के दौरान सऊदी अरब में 55 अफराद के सरकलम किए गए, जबकि 2019 के दौरान ये तादाद बढ़कर 120 तक पहुंच गई। यहां सबसे अहम नुक्ता यह है कि सऊदी अरब में मौत की ज़्यादातर सज़ाएँ सियासी जराइम की बुनियाद पर दी जाती है, जिन्हें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से मुतल्लक़ क़वानीन का लबादा पहनाया जाता है। सऊदी अरब में दहशतगर्दी से मुतल्लक़ क़वानीन की रवाज से सऊदी शाही हुकूमत और इसके ढांचे पर हर किस्म का एतराज़ ऐसा जुर्म है कि जिसकी सज़ा मौत या उम्र क़ैद के सिवा कुछ नहीं। अगरचे सऊदी अरब की जेलों में बंद सियासी कैदियों में दीगर मजाहिब के मानने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन इनमें शिया मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा है, जबकि सज़ाए मौत पाने वालों में भी इनकी तादाद दूसरे शहरियों से कहीं ज़्यादा है। 23 अप्रैल को सिर्फ एक दिन में जिन अफराद के सर कलम किए गए थे, इनमें से ज़्यादातर का जुर्म ये था कि इन्होंने शिया आबादी वाले इलाक़ों में हुकूमत की जानिब से रिवार रखे जाने वाले गैर मुनसिफाना और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ होने वाले मुजाहरों में हिस्सा लिया था। सऊदी अरब में सज़ाए मौत पाने वालों में गैर मुल्कियों की भी बड़ी तादाद शामिल है और पिछले 6 माह के दौरान 57 गैर मुल्कियों को भी मुख्तलिफ जराइम के तहत मौत के घाट उतारा गया। अहम बात यह है कि मौत की ये सज़ाएँ आलमी सतह पर तस्लीम शुदा अदालती क़ानून और इंसाफ के तकाजे पूरे किए बगैर दी गई है। बुध को काबीना के इजलास से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर हसन रूहानी का कहना था कि बरतानिया ने ईरान के तेल बरदार बोहरी जहाज़ को टीम बी के कहने पर रोका है।
تقسیم بھی سے صدر ایران کا اشارہ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بن یامین نتن یاہو، سعودی ولی عہد بن سلمان، متحدہ عرب امارات کے ولی عہد بن زائد اور قومی سلامتی کے متعلق امریکی صدر کے مشیر بولٹن کی جانب ہے، جو مسلسل ایران کے خلاف اشتعال انگیز اقدامات میں مصروف ہے۔ صدر ایران نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ آبنائے جبل طارق پر برطانیہ کا تسلط غیر قانونی ہے اور ایرانی بحری جہاز کو روکنا عالمی قوانین اور ضابطوں کے منافی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ دنیا میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے اقدامات کا آدھا دنیا میں بدامنی کا سبب بنے گا جو کسی کے فائدے میں نہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے ایران کے ایٹمی اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس بلانے کی امریکی درخواست کو انتہائی مضحکہ خیز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکام ایک جانب ایٹمی معاہدے کو برا اور وحشتناک قرار دیتے ہیں، کسی بھی معقول وجہ کے بغیر اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور دوسری جانب ایران ایٹمی معاہدے پر علم درآمد کی سطح میں کمی کرتا ہے تو تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ صدر ایران نے کہا کہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایران کے تمام تر اقدامات ایٹمی معاہدے کے مطابق ہے۔ ہم یورپ کو 14 ماہ کا وقت دے چکے ہیں اور اب بھی ہم نے مزید 2 ماہ کا وقت دیا ہے۔ انہوں نے تاکید کی ایٹمی معاہدے پر علم درآمد کی سطح میں کمی کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ کریم نگر شہر میں RTC بس کا بڑا حادثہ ٹل گیا۔ کریم نگر بس اسٹیشن کے قریب پرائتیما ملٹی کمپلیکس کے سامنے RTC بس کا اچانک بریک فیل ہو گیا، جس کے نتیجے میں بس بے قابو ہو کر روڈ ڈیوائیڈر پر چڑھ کر وہیں رک گئی، جس کے باعث بڑا حادثہ ٹل گیا۔ کریم نگر کی اس مصروف ترین روڈ پر دن کے وقت سینکڑوں افراد کی آمد و رفت دیکھی جاتی ہے۔ اگر بس ڈیوائیڈر کے بجائے روڈ پر چلنے والوں سے ٹکراتی تو بڑا جانی نقصان ہو سکتا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ بس سرسلہ سے کریم نگر آ رہی تھی، جس میں 50 سے زائد مسافر سوار تھے۔ چند مسافر معمولی طور پر زخمی ہو گئے ہیں۔ اتر پردیش کے فیض آباد سے تعلق رکھنے والے ایک غیر معمولی ذہن لڑکے نے صرف 14 سال کی عمر میں 100 سے زائد کتابیں لکھی ہے۔ مرجندر راج پاٹل نامی لڑکا غیر معمولی ذہانت رکھتا ہے۔ اس لڑکے نے 6 سال کی عمر سے کتابیں لکھنا شروع کی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی پہلی کتاب میں مختلف نظموں کو ترتیب دیا۔ اس نے کئی شخصیات کی سوانح عمری لکھی ہے، جن میں اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ بھی شامل ہے۔ اس لڑکے کا قلمی نام آج کا ابھیمانیو ہے۔ یہ لڑکا مستقبل میں ایک بڑا مصنف بننے کا خواہاں ہے۔ مرجندر راج 4 عالمی ریکارڈ اپنے نام کر چکا ہے۔ اس کی ماں ایک خانگی اسکول میں ٹیچر ہے اور والد ایک شوگر فیکٹری کے ملازم ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کی مستقل نمائندے مجید تخت روانچی نے امریکہ، یورپ اور بعض علاقائی ممالک کی طرف سے دہشت گرد گروہ منافقین کے ساتھ تعاون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور بعض علاقائی اور یورپی ممالک ایران میں عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں۔ ایرانی نمائندے نے اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں نے اب تک ایران میں 17,000 سے زائد شہریوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا، اور دہشت گردی کا نشانہ بننے والوں میں ایران کے سابق صدر، وزیر اعظم، عدلیہ کے سربراہ، ایرانی مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر، پارلیمنٹ کے 27 نمائندے اور 4 ایٹمی ماہرین بھی شامل ہے۔ تخت روانچی نے کہا کہ امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور منافقین کے درمیان گہرا تعاون جاری ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک دنیا بھر میں دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں اور انہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ ایرانی نمائندے کا کہنا تھا کہ دہشت گرد گروہ منافقین نے ایران میں ہزاروں عام شہریوں کو اپنی دہشت گردی اور بربریت کا نشانہ بنایا ہے، اور اس قسم کی کارروائیوں میں انہیں امریکہ، یورپ اور ان کے اتحادی عرب ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ اتراکھنڈ کے بی جے پی رکن اسمبلی پرنو چیمپئن کو ان کی پارٹی نے انہیں نظم و نسق کو پامال کرنے جرم میں معطل کر دیا ہے۔ رکن اسمبلی آج بندوق لے کر ناشتے دکھائی دیے۔
इनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त गश्त कर रहा है। इनके एक हाथ में बंदूक थी तो दूसरे हाथ में गिलास था। कहा जा रहा है कि इसमें शराब थी। इस मौके पर बॉलीवुड का गाना आइटम सॉन्ग भी बड़े जोरों शोर से बज रहा था। इस मौके पर नौ चैंपियन गलत जुबान करते हुए भी दिखाई दिए। इनके साथ इनके हामी भी थे जो इनके साथ झूम रहे थे। उत्तराखंड पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस बंदूकें लाइसेंस याफ्ता हैं या नहीं। बीजेपी के कौमी मीडिया इंचार्ज अनिल बलूनी ने पुनो चैंपियन की इस हरकत की सख्त मजम्मत की और कहा कि इस मामले में संजीदगी से गौर किया जाएगा। इन्होंने बताया कि मैंने ये वीडियो देखी है, मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। इन्हें 3 माह के लिए पार्टी से मुअत्तल किया जाता है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल इन्होंने एक सहाफ़ी को धमकी दी थी जिसकी वजह से इन्हें मुअत्तल भी किया गया था। हैदराबाद की नारायणगुड़ा ट्रैफिक पुलिस ने 58 चालानात अदा न करने पर एक मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। गाड़ियों की तलाशी के दौरान हिमायतनगर के पास ट्रैफिक पुलिस ने एक गाड़ी को तलाशी के लिए रोका तो इस गाड़ी के खिलाफ 9675 के चालानात अदाशुदनी थे। गाड़ी को जब्त कर लिया गया। बाद अजां कोर्ट से रुजू करके गाड़ी के मालिक की जानिब से रकम अदा करने पर गाड़ी को छोड़ दिया गया।